राजस्थान को एनीमिया एवं नशे से मुक्त कराने के लिए शुरू किए जा रहे एनीमिया मुक्त राजस्थान एवं नशा मुक्ति अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर भीलवाड़ा में किया जाएगा। प्रतापनगर विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट द्वारा इन अभियानों का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जगदीश चंद्र जीनगर ने मंगलवार को इस संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कक्षा 6 से 12वीं तक के 1511 राजकीय विद्यालयों की 119,320 विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार टैबलेट दी जाएगी ताकि अल्प रक्तता को खत्म किया जा सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए उच्च प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 40,87,470 टैबलेट भिजवा दी गई हैं। कल 30 जनवरी को जो है हम राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार एनीमिया मुक्त राजस्थान और नशा मुक्त अभियान का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम 6 महीने से 49 महीने तक के जो बच्चे हैं उनको सिरप और बाकी जो हमारे किशोर किशोरियां हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको हम टेबलेट के माध्यम से है एनीमिया की रोकथाम करेंगे। इसका लॉन्चिंग जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से कल शुरुआत प्रतापनगर आर्ट सेकेंडरी स्कूल में कल 10 बजे इसका शुभारंभ किया जाएगा। इसी के साथ जो नशा मुक्ति अभियान का भी आगाज होगा, जिसमें हम क्या सभी जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनको नशा मुक्त परिक्षेत्र या क्षेत्र घोषित करेंगे, जिसमें 100 गज के दायरे में ये चीजें नहीं बेची जाएगी और नहीं यूज की जाएगी।